ज़्यादा नहीं 3-4 किताबें खरीद करके आप आराम से AIB 18 का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेन हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप इन बुक को खरीद करके आप आराम से AIB 18 का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि AIB 18 के एग्जाम पास करना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि AIB 18 का एग्जाम अभी उसका फॉर्म आया नहीं है, पर बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि AIB एग्जाम पास करने के लिए कितना पासिंग मार्क होना चाहिए, कैसे करें कि AIB एग्जाम हम एक ही बार में पास कर लें। ऐसे बहुत से जो नए नए लड़के हैं जो अपना AIB 18 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि कब फॉर्म आए, कब उसको भरें हम, और उसके लिए पासिंग मार्क के लिए कैसे किया जाए, कौन सी बुक पढ़ा जाए कि पास हो जाए, तो वो पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देख लेंगे दोस्तों तो आपको दोबारा कोई दूसरी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। अगर AIB 18 का एग्ज़ाम आप लोगों को अच्छी तरीके से पास करना है, क्योंकि ये AIB 18 का एग्ज़ाम और हार्ड कर दिया गया है। हार्ड क्यों कर दिया गया है? वो इसलिए हार्ड कर दिया गया है कि अभी तक क्या था कि जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स अनिवार्य थे, मगर AIB 17 से 45 कर दिया गया है। तो आप एक प्रकार से मान लीजिए कि अगर पहले 40% आ जाता था तो लड़के पास हो जाते थे, अब 45 चाहिए। अभी तक तो 45 के ऊपर का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। हाँ, अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं तत्काल आप लोगों को सूचित करूँगा। और दोस्तों, कौन सी बुक पढ़ें आप कि AIB 18 एग्जाम एक ही बार में क्लियर कर लें, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, नहीं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बताता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को AIB 18 का एग्ज़ाम पास करना है तो उसके लिए आपको मैं कुछ किताबें बता रहा हूँ। ऐसे तो 17 हैं, पर आप ज़्यादा नहीं 3-4 किताबें खरीद करके आप आराम से AIB 18 का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेन हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप इन बुक को खरीद करके आप आराम से AIB 18 का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। दोस्तों जैसे आप ये मान के चलिए कि AIB 18 का एग्ज़ाम अगर आप पास करना चाहते हैं तो अभी से ज़्यादा नहीं 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना टाइम मिल सके इन किताबों में आप लोग अपना दीजिए, क्योंकि वहाँ पे ओपन बुक तो है पर उसके लिए कौन सा मैटर कहाँ पे है उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको बार बार एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों पहली बात तो तुम आप जा करके वह IPC, CRPC, CPC, इविडेंस एक्ट, ये किताब ले लीजिए, इनको लेकर के सही से अध्ययन करिए, क्योंकि इनमें से 8 नंबर, किसी में से 10 नंबर ऐसे करके आते हैं, और जितने होते हैं किसी में से 2 नंबर, किसी में से 4 नंबर ऐसे आते हैं, मेन यही होते हैं दोस्तों। आप अगर इनको ले लेंगे और इनमें पढ़ाई करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम फाइनल हो गया है। और अदर बुक पूरी लेने के लिए तो पूरी ले लीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, पर आज से ही कोशिश करना चालू स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 45% लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस बार लड़के बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं, क्योंकि 45 जो मार्क्स कर दिया गया है, अगर 40 तक में होते तो बहुत ज़्यादा लड़के पास हो जाते, पर 45 करने की वजह से बहुत से लड़के फेल हो गए हैं दोस्तों। और इसमें कोई ये नहीं दिखाते हैं कि आपका कितने परसेंटेज आया है, इसमें सिर्फ फेल और पास दिखा देते हैं, तो उससे भी लड़के में के अंदर बहुत घबराहट होती है। तो दोस्तों आज से ही आप लोग ये कहा किताबें मंगवा करके आराम से घर में बैठ करके थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जितना आपके पास टाइम मिले आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि समय की कीमत बहुत होती है और पैसे की भी कीमत बहुत होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक जो चीज़ होता है पैसा ही होता है। समय के साथ साथ अगर आप फेल हो गए तो दोबारा के लिए आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से वही करना पड़ेगा, कहाँ जा रहा है सेंटर, कैसे हो रहा है,
ये सब से दूरदर्शा से अच्छा है कि आज से ही आप स्टार्टिंग से ही चालू कर दीजिए कि आज से हमें स्टार्ट करना है वीडियो देखते ही दोस्तों, आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, स्टडी जो मेन है। अगर आप स्टडी कर लिए हैं, मैं कहता हूं दोस्तों कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, दिसंबर में जा करके कहीं एग्जाम होंगे, अभी तो फॉर्म ही नहीं आया, फॉर्म आएगा कम से कम ये मान के चलिए कि अगस्त से लास्ट अगस्त तक आएगा, तो सितंबर में कब आए, और एग्ज़ाम इसका दिसंबर में होगा। तो अगर दोस्तों अगर आप आधा आधा घंटा भी टाइम देंगे कि घंटे टाइम देंगे तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।